मुहासबा नफ्स, अगर आप कहते हैं कि आपने इस्लाम कबूल किया और ईमान ले आए, तो देखिए कि आया फिल वाक़े आपका जीना और मरना खुदा के लिए है, कि आप इसीलिए जी रहे हैं और आपके दिल और दिमाग की सारी काबिलियतें, आपके जिस्म और जान की सारी कुव्वतें, आपके औकात और आपकी मेहनतें क्या इसी कोशिश में सरफ हो रही हैं कि खुदा की मर्ज़ी आपके हाथों पूरी हो और आपके ज़रिए से वो काम अंजाम पाए जो खुदा अपने उम्मत मुस्लिम के से लेना चाहता है। फिर क्या आपने अपनी अतात और बंदगी को खुदा ही के लिए मखसूस कर दिया है? क्या नफ्स की बंदगी ख़ानदान की, बरादरी की, दोस्तों की, सोसाइटी की और हुकूमत की बंदगी आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल खारिज हो चुकी है? क्या आपने अपनी पसंद और नापसंद को सरासर रज़ा इलाही के ताबे कर दिया है? फिर देखिए कि वाकई आप जिससे मोहब्बत करते हैं खुदा के लिए करते हैं, जिससे नफ़रत करते हैं खुदा के लिए करते हैं, और इस नफ़रत और मोहब्बत में आपकी नफसानियत का कोई हिस्सा शामिल नहीं है। फिर क्या आपका देना और रोकना भी खुदा की खातिर हो चुका है? अपने पेट और अपने नफ्स समेत दुनिया में आप जिसको जो कुछ दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं कि खुदा ने इसका हक मुकर्रर किया है, और इसको देने से सिर्फ़ खुदा की रज़ा आपको मतलूब है, और इसी तरह जिससे आप जो कुछ रोक रहे हैं, वो भी इसीलिए रोक रहे हैं कि खुदा ने इसे रोकने का हुक्म दिया है, और इसके रोकने में आपको खुदा की खुशनुदी हासिल होने की तमन्ना है। अगर आप ये कैफियत अपने अंदर पाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र कीजिए कि उसने आप पर नेमत ईमान का अहतमाम कर दिया, और अगर इस हैसियत से आप अपने अंदर कमी महसूस करते हैं, तो सारी फिक्रें छोड़ें, बस इसी की कमी को पूरा करने की फ़िक्र कीजिए।